हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मिस्टर मैथ के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में जो कि मन्नत कौर ने पूछा था। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, ऐसी सबसे बड़ी लेंथ निकालिए जिससे कि इनको मेजर किया जा सके। याद रखिए, ऐसी सबसे बड़ी लेंथ HCF होता है, हाथी कॉमन फैक्टर, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप वो कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन में? देखिए, सबसे पहले ना इसको सिंपल में चेंज कर लीजिए। देखिए, 6 मीटर में 600 सेंटीमीटर होते हैं, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 600 + 25 ये हो जाएगा 625 सेंटीमीटर। इसी तरीके से 900 + 50 950 सेंटीमीटर। इसी तरीके से 1200 + 25 1225। अब अगर आपने एलसीएम और एचसीएफ की निंजा टेक्निक नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। और अब हम इसका HCF निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम गैप देखेंगे, हमको यहां पर भी गैप ऑलमोस्ट इक्वल दिख रहा है, यहां पर भी गैप ऑलमोस्ट इक्वल। तो आप कहीं से ही माइनस कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको माइनस कर लेते हैं। तो 50 में से 25 गया 25, 9 में से 6 गया 3, तो बड़ा नंबर तो वैसे कैंसिल आउट हो जाए। नाउ 325 के टेबल में 625 ऑब्वियसली नहीं आता, राइट, क्योंकि डबल होने पर 650 आएगा। तो कैसे करेंगे इसको? 25 का फैक्टर से अलग कर लो। नाउ 25 से जब आप डिवाइड करोगे ना, तो 25 बन जाए 25, 25 से 32 कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है, 75, 25 3 ज्यादा। तो ये 25 के टेबल में तो ऑब्वियसली आ रहा है क्योंकि लास्ट में 25, और ये भी आएगा क्योंकि लास्ट में 25 है। तो मैं जब HCF निकालने की कोशिश करूंगा तो 25 तो मेरा एक फैक्टर आएगा ही आएगा, मतलब इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, राइट। पर क्या 13 मेरा फैक्टर आएगा? देखो, 13 4 जा करोगे तो कितना आएगा? 52 105। तो 13 के टेबल में 105 आता है क्या? तो क्योंकि 13 के टेबल में नहीं आता है ना, 105 नहीं आता, इसका मतलब 13 ऐसा फैक्टर तो फेल हो जाना है। तो आपका HCF जो है सिर्फ और सिर्फ 25 हो जाएगा। तो 25 सेंटीमीटर ऐसी सबसे बड़ी यूनिट का स्केल है जिसके मदद से आप ये सारी की सारी पॉसिबल लेंथ को आप मेजर कर सकते हो। तो 25 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपका ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वेरी गुड डे।